चंद रोज कबल कुलगाम में एक अलमनाक और दिलदोज वाक़ा पेश आया जिसमें एक 24 साल नौजवान ने खुदकुशी की और उस खुदकुशी को पहले उसने वायरल किया। उसने खुदकुशी के वजूहात को भी बयान किया जो हमारे लिए एक अलमिया है और बहसीती सोसाइटी ये एक मेरे लिए बहसीती रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स फोरम और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर होने की हैसियत से मेरे लिए एक शर्मनाक बात है और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस हादसा को किस तरह आपके सामने पेश करूं। आपको मालूम है कि उस बच्चे ने अपने वीडियो में जो कहा कि मेरे बाप को जो एक उस्ताद हैं बशीर अहमद कुलगाम से उनका ताल्लुक है, पिछले 2.5 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो एक उस्ताद हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक मुलाजिम जो ड्यूटी पर है इन हालात में भी, जब कोविड की महामारी है, उस्ताद कोविड ड्यूटी पर भी है, ऑनलाइन क्लासेस में भी वो मशगूल है, वो बच्चों को मिड डे मील उनके डोर स्टेप्स तक लेने में भी मशगूल है, इसके बाद भी उसको तनख्वाह से महरूम रखा गया। और ये एक ही उस्ताद का मामला नहीं है बल्कि यहाँ पर 149 असातिज़ा कराम ऐसे हैं जिनको पुलिस क्लियरेंस की बुनियाद पर यह कहकर उनकी तनख्वाहें रोकी गई कि पुलिस ने इनके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट दी है जो बिल्कुल गलत है, सरासर बेबुनियाद है। मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके सामने रखना चाहूंगा। एक ऑर्डर आया, एक कैबिनेट ऑर्डर आया, नहीं देखा होगा, कई चैनल्स ने मुझे लाइव डिबेट उस वीडियो पर किया है, मैंने अपना मौका वहां पर रखा है। ये बच्चा जो है, एक बच्चे ने जान दी है, 24 साल नौजवान ने जान दी है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, हालात ने उनको मजबूर किया है। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप इस पर फोकस रहें और उन हालात को जानने की कोशिश करें जिन हालात की बुनियाद पर, जिन हालात की वजह से ये सुसाइड कमिट हुआ है। तो कि फिलफोर असातिज़ा कराम की तनख्वाहों को वागुजार किया जाए क्योंकि उन्होंने ड्यूटियां दी हैं। कोई एहसान नहीं करें आप, दीज आर अर्नड सैलरीज, इनको रिलीज किया जाए। नंबर 2, जो कुलगाम का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 24 साल नौजवान ने अपनी जान दी है, वजूहात उसने बयान किए हैं, आपको भी मालूम है। हमारा मुतालबा सरकार से यह है एक गवर्नमेंट एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करके फिक्स की जाए, जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इसमें उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट होनी चाहिए। यह हमारा मुतालबा है और जोरदार मुतालबा है।